जून आ गया है और आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की, तो कैसे आप आज से पढ़ करके बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% से ज़्यादा ला सकते हैं? कैसे आप बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये सब संभव है अगर आप यह ठान लेते हैं, अगर आप में यह करने की इच्छा शक्ति है तो आप बहुत ही आसानी से बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक तरीके के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी तैयारी में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए, वे अब स्टार्ट करने वाले हैं। उनको मैं ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिससे वे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे लेवल पे ला करके, अच्छे स्कोर करके अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी से आपके पास 8 महीने का समय है, उस 8 महीने को आप किस तरह से मैनेज करते हैं यह बहुत ज़रूरी है। आपको 8 महीने अगर मैनेज करने आ गए तो आप उस मार्च के महीने में जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है आप बहुत ही आसानी से बेफिकर होकर के अच्छे स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आपके अंदर मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल भी ना हो, आप नेगेटिविटी से दूर रहिए। कहीं से भी अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं आप उसको दूर रखिए, आप अंदर में आत्मविश्वास के साथ भरे रहिए, आप में वो हर करने की क्षमता है, आप में वो हर चीज करने की क्षमता है जो आप सोच सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, आपके पास हर चीज़ वो साधन है जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास रखिए और उसके साथ आज से आप पढ़ाई में लग जाइए। दोस्तों, करना क्या है? सबसे पहले तो बच्चे को ये पता ही नहीं होता है कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उस चीज को आपको क्या करना है कि छांट लीजिए। इसको करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास सिलेबस हो। सबसे पहले दोस्तों आप जाइए और ऑफिशियल वेबसाइट पर, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। अगर आप CBSE के स्टूडेंट्स हैं तो cbse.nic.in पर जाकर के वहां से आप सिलेबस को डाउनलोड करिए। सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद आपके पास यह चीज़ तो मालूम हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किसको नहीं पढ़ना है। इतना दोस्तों जानने के बाद अब आपको उस 8 महीने को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसे डिवाइड करना है। दोस्तों, लास्ट के तो जनवरी और फरवरी का मंथ है, उसमें तो आपको पूरी तरह से रिवीजन करनी है, तो उस मंथ को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए रिवीजन के लिए, क्योंकि जनवरी और फरवरी में जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो जनवरी और फरवरी को आप रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए। अब आपके पास बचता है जून से लेकर के दिसंबर का समय, यानी टोटल 6 महीने। अब आपको सबसे पहला काम करना है 6 महीने को 3-3 महीने में डिवाइड कर लीजिए। पहले 3 महीने यानी कि जून, जुलाई और अगस्त, इस महीने में आपका पूरा फोकस होना चाहिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की ओर। आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में जो भी सिलेबस आने वाले हैं, जितने भी पोर्शन आने वाले हैं, आपका पूरा फोकस उसी पर होना चाहिए। बिल्कुल दोस्त पूरी बुक की तरफ मत भागिए। पूरी बुक पढ़ने के बाद भी अगर बच्चे से पूछा जाता है कि क्या आप चैप्टर 1 से हर क्वेश्चन बनाने को तैयार है, तो उनका जवाब होता है नहीं सर, अभी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये बिल्कुल मत करिए। आप पहले अपने हाफ ईयरली पे ध्यान दीजिए और पूरी जितनी भी पोर्शन आने वाली है, आप जिस भी सब्जेक्ट्स में आपको पोर्शन पता है आप उतना पढ़ लीजिए। उतना पढ़ने के बाद अब आपके पास सितंबर से जो दिसंबर का समय है, उस समय में आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। अब आप अपने कोर्स के पीछे भागिए और देखिए कि आपके सिलेबस में जितना भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स आपसे क्लियर होते हैं कि नहीं होते हैं। सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर कर लेना है। अब आप दिसंबर तक अपनी पूरी कंप्लीट कर लिए हैं सिलेबस को, अब आप जनवरी से फरवरी के बीच में सिर्फ रिवीजन करिए। दोस्तों, इस तरह से अगर आप 8 महीने को बांट लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप सिलेबस भी कवर कर लेंगे और आप अपनी पढ़ाई में ध्यान भी लगा सकते हैं, आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं पढ़ना कैसे है। सबसे पहला काम करिए, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठिए तो आपके टेबल पर एक कॉपी, एक पेन होना बिल्कुल ज़रूरी है।
आपको करना क्या है कि जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे, जो भी सब्जेक्ट के चैप्टर को पढ़ रहे, आप अपना सेल्फ नोट्स बनाइए। बिल्कुल बहुत जगह से नोट्स मिलता है आपको, नेट में मिलेगा आपको, यूट्यूब में नोट्स मिलेगा आपको, हर जगह से स्कूल से नोट्स मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आप सेल्फ नोट्स बनाइए। दोस्तों इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा कि सेल्फ नोट्स किस तरह से बनाया जाएगा जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, तो दोस्तों उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको करना है सेल्फ नोट्स बनाइए। जब आप चीज़ों को बहुत ही छोटे वे में पढ़ते हैं तो आपको मजा आने लगता है। देखिए बुक में अगर 1000 वर्ड है तो अगर आप उसको नोट्स में लिखते हैं तो आई थिंक कि वो 200 वर्ड्स में पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसे आपने डिज़ाइन किया है, उसे आपकी सहूलियत के हिसाब से है कि वो किस तरह से मैं डिज़ाइन करूँगा कि आप उसे ग्रैस्प कर सके, आप उसे जल्दी पढ़ सके। तो नोट्स आप खुद से बनाइए, अपने हाथों से बनाइए, अपने हैंड राइटिंग में बनाइए, ताकि जब आप पढ़िएगा तो आपको वो पढ़ने में ईजी लगेगा। तो दोस्तों सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाइए। उसके बाद आपको करना क्या है, एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल एक सेपरेट कॉपी में बनाइए। होता क्या है कि आप जिसमें नोट्स बना रहे हैं आप उसी में एक्सरसाइज भी बना रहे हैं, आप उसी में इन टेक्स्ट भी क्वेश्चन बना रहे हैं, जिससे पूरा हॉस्पॉच जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। जब फाइनल टर्म में जब आप पढ़ने बैठेंगे, जब आपके एग्जामिनेशन आएंगे तब पढ़ने बैठेंगे, तो आपको लगेगा कि सब कुछ मिक्सअप हो गया है, कुछ हमको मिल नहीं रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अंदर के क्वेश्चंस होते हैं, जो उनके एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, उसे आपको एक सेपरेट कॉपी में बनाना है। सेपरेट कॉपी में बना करके आप उसे अलग रखिए, ताकि जब भी आपको क्वेश्चन आंसर की जरूरत पड़े आप उस कॉपी से देख करके लिख सकते हैं। इतना दोस्त करने के बाद अब आपके तरफ पूरी पढ़ाई में आप लग चुके हैं, अब आपकी पूरी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बन चुकी है, किस तरह से पढ़ना है वो बन गया है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है दोस्त कि आपको किस तरह से टाइम टेबल बनाना है। तो मैं अभी से ये नहीं कहूँगा कि आप 8 घंटे की, 4 घंटे की कंटिन्यूटी की आप टाइम टेबल बनाइए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप 8 घंटे डेली पढ़ें। आपको करना क्या है, आप अपनी क्षमता को देखिए, क्या आप 1 घंटे पढ़ने बैठ सकते हैं। तो अगर आप 8 घंटे के लायक है तो आप 1 घंटा पढ़िए, अगर आप 2 घंटे के लायक है 2 घंटा पढ़िए, लेकिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप अगर 1 घंटे के लिए है तो आप 1 घंटे ही, लेकिन डेली पढ़िए, डेली दोस्त पढ़िए एकदम। ऐसी कोई भी घड़ी आ जाए, आपके घर में शादी हो, आपके घर में पार्टी हो, आपके घर में किसी तरह का फंक्शन हो, अगर आपके घर में रात में फंक्शन है तो आप दिन में पढ़िए, अगर आपके घर में दिन में फंक्शन है तो रात में पढ़िए, लेकिन आप उस 1 घंटे के कोटे को जरूर पूरा करिए। तो आपको करना क्या है कि आप एक डिसाइड करिए आपके अंदर कैपेसिटी कितना है, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे की जितनी कैपेसिटी है वो आप उस हिसाब से डिसाइड करिए, और उसी 1 घंटे में आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। प्रीफरेंस ऑर्डर पे दे दीजिएगा टाइम कि आपको मैथ हार्ड लगता है तो उसमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें हमको कम टाइम देना चाहिए, लेकिन हमको डेली सब कुछ पढ़ना है जिससे कि मेरा रिवीजन होगा। और जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे वैसे वैसे आप बहुत ही आसानी से पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, और आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, और जैसे जैसे आत्मविश्वास आएगा आप अपनी पढ़ाई में और भी तेज़ हो जाएंगे, और भी लग जाएंगे। 1 घंटा कब 2 घंटा बदल जाएगा और 2 घंटा कब 4 घंटा बदलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके अंदर में जो आत्मविश्वास आएगी अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई करते हैं, तो अगर दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो होता क्या है, आज पढ़े कल छोड़ दिए, कल पढ़े परसों छोड़ दिए, इस तरह से पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप में भी यह गलती आदत है तो आप उसको सुधार लीजिए। अब आप अपनी टाइम टेबल को बिल्कुल अपने हिसाब से बना लीजिए, इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, इसमें भी एक मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें कि टाइम टेबल को किस तरह से सजाया जाए जिससे कि टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो सके, इस पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन टाइम टेबल आप अपने हिसाब से खुद से बना लीजिए जिससे कि आपको पढ़ना है। अब आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ने लगे तो दोस्त अब आपको करना क्या है कि अब लास्ट मोमेंट पर, यानी कि हर चैप्टर पढ़ने के बाद आप एक बार रिवीजन करिए। हर दिन आपके पास 5 से 10 मिनट्स जो भी आपने समय रखा है उस समय में कोई एक चैप्टर को रिवीजन जरूर करें।
रिवीजन में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, अगर एक सप्ताह पहले आपने कोई चैप्टर को कहीं कंप्लीट किया है, तो उस चैप्टर को पढ़ने में दोबारा उसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। आपको सिर्फ क्विक गो थ्रू करना है कि हाँ भाई हमको ये आता है, ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक नहीं मालूम तो चलो इसको पढ़ लेते हैं। इस तरह से आपको पूरा तरह से रिविजन करते जाना है। तो पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे वैसे वैसे आपको इसमें अच्छा लगने लगेगा और आप बहुत ही आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं। अपनी स्कूल की एग्जामिनेशन को बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा, वही आपको डिसाइड करता है कि आप कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को इस जो टॉपिक पे वीडियो बना है उससे ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।